ये आगे भी हुआ है। वाह 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 वाह, देखो देखो देखो, फाइनली। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑन यूट्यूब। आज है तीसरा दिन अपना महाराष्ट्र राइड का, और अभी हम हैं तामिनी घाट में, और ये है तामिनी घाट होमस्टे, तामिनी होमस्टे। अपनी बाइक पार्क है इधर, मैंने कर लिया है ल्यूब वगैरह चेन को, और फिर हो गई बारिश, बट ल्यूब वाटरप्रूफ है। तो जब वाटरप्रूफ है तो पानी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी देयर। और बस ब्रेकफास्ट करना है अभी, उसको निपटाएंगे और फिर निकलेंगे। और बाकी अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ उस तरफ। तो यही है सीन, और इधर चारों तरफ ऐसे ही पहाड़ हैं। तो ये है तामिनी घाट के पहाड़, और हम कर रहे हैं तामिनी घाट की राइड आज। तो आज का एजेंडा ये है कि सोच रहे हम लोग कुंभे वाटरफॉल जाते हैं, और उसमें भी एक ट्विस्ट है। जो तामिनी घाट का रोड है वो बंद है। कल हम लोग को जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच था एक पॉइंट से तामिनी घाट के थ्रू यहाँ का इस होमस्टे का, वो था अराउंड 20 किलोमीटर। क्योंकि वो बंद मिला, उसके कारण हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ गया अप्रॉक्सीमेटली लाइक 110 किलोमीटर। एक घंटे का भी रास्ता नहीं था, वो हो गया अपना 3 घंटे का। आज हम लोग डे स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। पंकज को चेन टाइट करना है अपना आधे में उसका काम रुक गया था, इन प्रोग्रेस था, तभी बारिश चालू हो गई। इधर बारिश कभी भी होती है, मन लगा के काम करो। सो वी आर ऑल सेट नाउ, बस जैकेट डाला जाए। पानी इतना बरसा है कि जैकेट में पानी घुसा हुआ है, बहुत भारी है जैकेट। अभी मौसम खुला खुला लग रहा है आज अभी तक, और जैकेट भीगी भीगी लग रही है। एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक हेलमेट होता है बाइकर के सर का ताज हेलमेट तो ये है। तुम क्या जानो रमेश भाई? हाँ तुम क्या जानो रमेश। अब देखा जाएगा कटता है कि नहीं कटता। हाँ तो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे पता चलेगा कि अलाउड है तामिनी घाट रोड पे राइड करना या नहीं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ आफ्टर हाफ एन आवर। तो निकलते हैं, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। टाइम हो चुका है 10:15। जो एक्सटर्नल माइक मैंने लगाया था ख़राब भी हो गया पानी जाने से। निकलते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, भोलेनाथ आशीर्वाद बना रखी गए। ये बगल में नदी बह रही, हम लोग देखे ही नहीं थे। अभी हम लोग का कटा है ऐसे, मतलब कल कटा है कि ये जो स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे आगे ही है, और यहाँ से हम लोग को आने नहीं दिया गया। जबकि हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा एक लैंडस्लाइड हुआ था,
और उसमें से तो बस भी निकल के गई। अभी तो वीकेंड था इसलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं ओपन किया था। क्राउड के कारण कल हम लोग का कटा, एक घंटे का रास्ता 3 घंटे का हुआ। और अभी किस्मत अच्छी थी, आज मंडे है 5 तारीख, उस हिसाब से खुल गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं कुंभे वाटरफॉल, यहाँ से 47 मिनट की दूरी है, तो हम लोग का 2 घंटे का टाइम बच गया। चलो कुंभे का टॉप पॉइंट है, और सामने आगे जाएंगे तो वो वाला पॉइंट आएगा जहाँ से सामने से दिखेगी। ये टनल क्रॉस करके हम लोग आ गए अब इधर, और अब इधर है कुंभे का ड्रॉप। किसी अब क्या बोला जाए, BKL ने छोड़ा है। तो यहाँ से आगे गिरती है कुंभे वाटरफॉल। ड्रोन होता तो अपन उड़ाते ड्रोन, वहाँ पे शॉट लेते। अभी ड्रोन नहीं है तो इधर ही से देखेंगे। अब निकलते हैं, उस तरफ जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बस यही रोड है, ये आगे जा रही है, उसी के आगे जो भी होगा दिखेगा। और जब भी आओ यार, कचरा मत फैलाओ, इतना तो सीख लेना चाहिए था। और यह कुंभे टनल, अब इसके आगे का मैप नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं। चल लो भाई, वहां से दिखेगा। ये दिख रही है कुंभे, वहां जाना पड़ेगा उस पे। चलो देखें, मौसम तो ठीक ठाक क्लियर है, दिख जाएगा। अभी बाइक हम लोगों ने इधर पार्क कर दी है, शायद इधर कोई ट्रेल है जहाँ से कुंभे वाटरफॉल का ड्रॉप दिखता है। बट अभी फिर से क्लाउड आ गए हैं तो कुछ कह नहीं सकते कब क्लियर होगा। अभी चलते हैं नीचे, वेट करेंगे। अभी हमारे पीछे है कुंभे वाटरफॉल उस तरफ, और अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब क्लियर होगा और हम उसका व्यू पाएंगे। तब तक वेट करते हैं। हम लोग एकदम सही जगह स्पॉट पे हैं, गया वाटरफॉल। तो अभी थोड़ा इंतज़ार का फल मिला था मगर पूरा नहीं मिला, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा फिर फल मिलेगा। तो बैठे हैं, 5 स्टार खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेट्स सी, अरे इधर क्लियर हो गया। ये है एक वाटरफॉल, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्लियर हो थोड़ा, मगर हो नहीं रहा है। लगभग 1 घंटे तो हो गए अपने को बैठते हुए, अभी तक साफ नहीं हुआ। पता नहीं अभी आगे कितना टाइम लगेगा।
हल्का फुल्का साफ तो हो रहा है। ये पूरी वैली दिखती हुई और ये रही सामने वाटरफॉल, गजब। फाइनली कुछ तो दिखा। अपन लोग 45 मिनट से इधर वेट कर रहा है मगर भाई साहब व्यू नहीं दिखा। कैसा लग रहा है पंकज? बहुत बढ़िया। और ये भाई मिले, आप कहाँ से ब्रो? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं भाई। अब तो उधर क्या मस्त दिख रहा है। अब दिखा ऊपर हम लोग खड़े हैं पूरा उधर का, तो अब हम लोग तो उधर के लोग भी देख पा रहे हैं जो जहाँ पे पहले हम लोग उस स्पॉट पे खड़े थे। ये यहाँ पे वो वहाँ से ड्रॉप था और उसके बाद हम लोग उल्टा उस साइड से इधर आए हम लोग। भाई साहब बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही झकास। ये फाइनली मैजेस्टिक, ट्रूली मैजेस्टिक, गजब दिखा। फाइनली एक घंटा वेट किए हमको, एक घंटे। भाई साहब हम लोग इतना उधर नीचे से आ रहे हैं और अभी वहाँ ऊपर जाना है। पूरा राइडिंग गियर के साथ में काफ़ी हैवी हो जाता है शरीर और ऊपर से बारिश में भीगा भी हुआ है तो पानी का अलग वेट है। तो चढ़ते हैं ऊपर, बाइक के पास पहुँचते हैं फिर ब्लॉग करेंगे। तो अभी बाइक के पास आ चुके हैं हम लोग और बारिश होने लगी है। अब तो जल्दी से हेलमेट पहनेंगे, निकलेंगे घर से। चालू हो गया क्या? एंट्री फीस कितना लगेगा? 140 पर पर्सन। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कुंडलिका वैली। व्यू पॉइंट है बेसिकली, यहाँ का एंट्री फीस है 140 पर पर्सन। और किस्मत वैसे ही जोरदार चल रही है, बाइक उधर पार्क कर दिया हम लोगों ने, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं उधर पीछे। और हमारे आने के जैसे ही हम लोग बाहर एंट्री किया इधर, तब तक तो मौसम बहुत तगड़े से साफ था, पूरा वैली दिख रही थी। और जैसे ही पैसा पे किए हैं वैसे ही बादल आ गए आराम से। और अब व्यू देखने के लिए ही हम लोग को वेट करना पड़ेगा इधर फिर से। तो
तो इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कब तक में क्लियर आउट होता है वेदर और उसके बाद दिखता है कुछ वैली वगैरह। लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि हम लोग को व्यू मिल जाए, बस फिसल के गिर ना जाए यहीं पे, कि पता चले कि हड्डी टूट वाली है यहीं पे। ये आगे भी हुआ है, वाह 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 वाह, देखो देखो देखो, फाइनली कितने लोग तो लौट गए यार, शानदार। कैमरे में पता नहीं आ रहा है कि नहीं, पर बहुत ही शानदार। क्या कितने सारे वाटरफॉल, गजब। आ जाओ पूरा दिख रहा है, ये पकड़ो तो, वो मोबाइल अंदर अंदर डालना है। भाई साहब फाइनली कुछ तो दिखा, लग रहा था कि गया पैसा पूरा है और टाइम अलग। बारिश हुआ है, क्लियर हुआ है, अब हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, देखते हैं कि कितना व्यू मिलता है, कितनी देर तक मिलता है, किस्मत है। भीगने का टेंशन तो भी है, मानसून महाराष्ट्र करने आए हैं तो मानसून में घूमेंगे, और यह पानी का बहाव भी तेज हो गया अभी तो। फाइनली टाइम टू हेड बैक, और बहुत देर मतलब 2 घंटे हम लोग यहीं थे, और फाइनली मतलब लास्ट के 1 घंटे तो व्यूज मिले, कई सारे टाइम लैप्स निकाले, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा, तो देख लिए हो गए, वैसे तो लगा ही दिया होगा। और अभी फिर से व्यू गायब, बट काफ़ी सुंदर था, एकदम एक नंबर का था। जा रहे हैं बाइक की तरफ, हेलमेट वगैरह सब बाइक पर रखा था, थक गए। तो पंकज क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कैसा लगा? वेट मत था और हमने वेट किया, 1 घंटा इंतजार किया है, उसके बाद कहीं जाके ऐसा ऐसा जायगांटिक पहाड़ दिखा और इतनी ज़्यादा वाटरफॉल, भाई साहब मतलब लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस है जो याद रहेगा, कि 1 घंटा इंतजार, फिर उसके बाद जितना देर देखे हैं उतना देर बारिश में खड़े थे। बारिश तो हो ही रही है, जब से व्यू आई है तब से बारिश हो रही है। तो भीगे हैं पूरा, और अब बाइक की तरफ जा रहे हैं, निकलते हैं घर से, हम सीधा जाएंगे वहीं से।